हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्लास थर्ड इंग्लिश बुक स्मार्ट इंग्लिश का पहला चैप्टर वन थिंग एट ए टाइम। आज हम आपको बताते हैं वन थिंग एट ए टाइम में क्या कहा गया है। इसमें आपने ये देखा, ये लिखा हुआ है अप्रिसिएशन ऑफ द पोइम। इन दिस शॉर्ट पोइम, इस छोटी सी कविता में द पोइट एडवाइजेज द रीडर, जो पोइट है वो क्या पढ़ने वालों को सलाह देता है, टू डू वन वर्क एट वन थिंग, एक समय में एक ही काम करें। कि क्या एडवाइस देता है कि आप लोग एक समय में एक ही काम करें, डू इट फुली, लेकिन इसे पूर्ण रूप से करें, डू इट फुली। दिस इज द की टू सक्सेस, ये क्या है, ये हमारी सफलता की कुंजी है। नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग द पोएम। पोएम नेम वन थिंग एट ए टाइम। वर्क वाइल यू वर्क, काम कीजिए आप, काम के समय काम कीजिए। प्ले वाइल यू प्ले, खेल के समय आप खेलिए। दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे, सबसे सुखी और खुश रहने का बहुत अच्छा तरीका है। यदि आप काम के समय काम करेंगे, खेल के समय खेल करेंगे, ये नहीं कि काम के समय आप खेल रहे हैं, खेल के समय काम कर रहे हैं, तो इस तरह का कोई भी काम आपका सही नहीं होगा, आप हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए खेल के काम के समय काम करें और खेल के समय खेलें, इसी दिस इज द वे टू बी हैप्पी एंड के, ये बहुत अच्छा तरीका है आपको खुश रहने का। ऑल दैट यू डू, जो कुछ भी सारा कुछ जो आप करते हैं, डू विथ योर माइट, अपनी पूरी शक्ति से कीजिए, पूरी पावर से कीजिए। माइट मीन्स पावर या शक्ति। थिंग्स डन वी हाफ आर नेवर डन राइट, जो भी काम आधे अधूरे किए जाते हैं वे कभी भी सही नहीं होते हैं और सही नहीं होते हैं। इसलिए आपको आधे अधूरे काम नहीं करना है, काम को पूरा करना है। इसलिए कहा जाता है कि आधे अधूरे काम कभी भी सही नहीं होते हैं। वन थिंग एट ए टाइम, एक समय में किए गए काम, एंड दैट डन वेल, एक समय में जो काम किया जाता है वो बहुत अच्छा होता है। इट इज़ ए वेरी गुड रूल, ये बहुत इज ए वेरी गुड रूल, ये अच्छा नियम है। एज मैनी कैन टेल, ये सभी लोग कह सकते हैं, कहते हैं। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू हैव टू लर्न 8 लाइन ऑफ दिस पोइम और वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड और स्पीक इन हिंदी।